राम राम सभी प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग अर्जी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लाते हैं। इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के डेली 20 क्वेश्चनों को देखते हैं और याद करते हैं, रटते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 32वां होने वाला है, 32nd, उसको हम देखते हैं। और आपने ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या केंद्र सूची का? तो मैंने एक बार नहीं, कम से कम ये 32वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें कम से कम 4थी 5वीं बार ये प्रश्न आ रहा है। तो जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पे हर राज्य को मतलब आजादी दी गई है, अपने हिसाब से वह कानून बना सकता है। तो ये जो विषय है राज्य सूची का विषय है, और आपने देखा होगा आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जो है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें अनुच्छेद 40 है, वह भी राज्य का विषय है। मतलब राज्य चाहे तो उसका गठन करे, त्रिस्तरीय पंचायत गठन करे, द्विस्तरीय करे, उसके मन पर छोड़ दिया गया है। तो यह राज्य सूची का विषय है। आपने देखा होगा शेड्यूल 7 जो है हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स, उसमें होता है संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, उसी में जो राज्य सूची में कैटेगरी है उसी में पंचायती राज व्यवस्था आता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आते हैं? ग्राम पंचायत आता है गाँव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत आता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत आता है। इसका मतलब है उपयुक्त के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्षेत्र पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब क्षेत्र पंचायत का जो ब्लॉक है ना, विकास खंड है हमारा, वही क्षेत्र पंचायत होता है। तो उसके संबंध में हमें इसमें से देखना है, 3 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सत्य है? ऐसा भी सकता है एक से ज्यादा भी सत्य हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब अपने हिसाब सोचिएगा, आप कोई भी किताब लेके पढ़िए, इसका कोई मतलब रहने वाला नहीं है इस BPO के एग्जाम में। BPO के एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल समझ रहे हैं ना आप? गाँव में जो चीजें देख रहे हैं, प्रधान सचिव, सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, इनको समझना होगा आपको, सफाई कर्मी। तो आप अच्छे से कैसा भी सवाल पूछे आयोग, आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है, प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी। तो जैसा बात हुआ कि हर ब्लॉक में एक क्षेत्र पंचायत होती है, तो यहाँ भी है, जैसे हम ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। उसके बाद दूसरा है, क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। तो राज्य सरकार विकास खंड को बसाती है, जैसे हमारे जिले मिर्जापुर में 12 ब्लॉक हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी जिला है उसमें कुल कितने ब्लॉक हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन को देखते हैं, 1, 2, 3 तीनों सही है। क्षेत्र पंचायत के संबंध में 3 बातें सही थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसके लिए किया गया है? SC के लिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत में जितने भी चुनाव होते हैं सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ST के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी व्यवस्था है, पिछड़े वर्गों के लिए भी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था है। तो उपयुक्त सभी जो हैं सारे सही हैं, डी ऑप्शन, सबके लिए, पिछड़े वर्गों, OBC के लिए भी, SC के लिए भी, ST के लिए भी, और महिला के लिए भी क्षेत्र पंचायत में आरक्षण दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, और सारी आरक्षण संबंधी बातें किस अनुच्छेद में की गई हैं? तो पार्ट 9 के अनुच्छेद 243D में आरक्षण संबंधित बातें की गई हैं, सबकी SC ST OBC और महिला आरक्षण की बातें 243D में की गई है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी संस्था कौन सी है? अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला परिषद, जो सबसे ऊपर है तो उसे हम जिला परिषद को सबसे ऊपर मानते हैं।
इन तीनों व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिला परिषद का गठन लगभग कितनी जनसंख्या पर होता है? 50,000, 40,000, 60,000 या 70,000? तो जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसका गठन लगभग 50,000 जनसंख्या पर होता है। कितने जनसंख्या पर होता है? तो 50,000 जनसंख्या पर होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पर कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? कितने प्रत्येक जिला परिषद से जो भी हमारे प्रदेश में है, तो प्रत्येक जिला परिषद सदस्य पद पर एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। मतलब हर जिले से एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह ही जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक जिला परिषद की कार्यवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक होगी, इससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिला परिषद से संबंधित है। जिला परिषद की बैठकें कितनी माह में कम से कम एक बार बुलानी आवश्यक होती है? तो ऑप्शन है 3 माह में कम से कम एक बैठक जरूर होनी चाहिए। कितने माह में होनी चाहिए? 3 माह में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। यह बैठक जिला मुख्यालय या जिले में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निर्वाचन के बाद नव गठित जिला परिषद की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? जब निर्वाचन के बाद नया जिला परिषद का गठन होगा, तो उसकी जो पहली बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होती है। शेष सभी बैठकों की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो पहली बैठक होगी वह कौन करेगा? जिला दंडाधिकारी करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिला परिषद की बैठक में कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति से उसका कोरम पूरा होता है? जिस प्रकार आपने देखा था ग्राम पंचायत में कितने का कोरम है ग्राम पंचायत में, तो आप कहेंगे 1/5 का, 1/3 का वहां पर भी है और 1/3 का यहाँ पर भी कोरम है। कितने का? 1/3 का। जिला परिषद में 1/3 सदस्यों का कोरम है। इन सदस्यों का आना बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है, तभी बैठक स्टार्ट होता है। जिला परिषद की सामान्यतः शक्तियां क्या हैं? 2 चीजें दी हुई हैं, 2 कथन है, इसमें से हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। उसमें देख रहे हैं, जैसा कि अपनी अधिकारिता के बाहर शिक्षा स्वास्थ्य राहत पर खर्च करेगी जिला परिषद, और दूसरा जो कथन है, जिले में किसी ऐसी कार्यकलाप के कार्यान्वयन के लिए किसी भी व्यक्ति को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान कर सकेगी। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही है, जिला परिषद जो है दोनों कार्य कर सकती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को लेकर कितनी अस्थायी समितियों का गठन का प्रावधान है? जिस प्रकार से हमारे गाँव में ग्राम पंचायतों में आपने देखा होगा 6 पंचायत समितियां बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से हम देखते हैं जिला परिषद में कितने स्थायी समितियों का गठन होता है। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। तो इस 7 कमेटियों में जैसे है, पहला है सामान्य स्थायी समिति, दूसरा है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति और लोक कार्य समिति। इस प्रकार की समितियां जिला परिषद में बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जिला परिषद से संबंधित है। जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन से अधिकार प्रदत्त हैं? मतलब प्राप्त है, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है? देखते हैं, जिला परिषद की बैठक का आयोजन तथा उसका संचालन करेगा, ये जिला अध्यक्ष का ही काम है, जिला परिषद के अध्यक्ष का काम है। उसके अलावा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर तथा उसके माध्यम से सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण भी जिला परिषद का अध्यक्ष ही करेगा।
सी ऑप्शन है जिला परिषद के वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण भी, जो इसका मुख्य जिला परिषद के अध्यक्ष का ही काम है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, जिला परिषद के अध्यक्ष का यह तीनों काम था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? लेखा अधिकारी द्वारा, कोषाधिकारी द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा, या जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा? तो ये जो जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण है ना, वो उस कैग द्वारा ही किया जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा तथा अंकेक्षण पूरा होने के एक महीने के भीतर जिला परिषद को अंकेक्षण टिप्पणी भेजी जाएगी। मतलब जो कैग है वो एक अपना प्राधिकारी नियुक्त करेगा और जांच करेगा, उसके एक महीने के बाद जो कैग है वो उस पर टिप्पणी भेजेगा, रिव्यू भेजेगा कैसा इनका अंकेक्षण रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? गोलमेज सम्मेलन वो इंग्लैंड वाला नहीं है, ये भारत वाला है, पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कराए गए थे। तो कितने कराए गए थे? तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सात गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु जुलाई से दिसंबर 2004 में पंचायती राज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में कुल 7 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे। कब कराए गए थे? 2004 में जुलाई से दिसंबर के बीच 7 पूरे भारत में घूम कर 7 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में तृणमूल स्तर की इकाई है, तृणमूल स्तर की कौन सी इकाई है? संसद है, राज्य की विधानमंडल है, राज्यसभा या पंचायती राज है? तो जो हमारा पंचायती राज है, पंचायती राज संस्था तृणमूल स्तर की इकाई है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाती है। तृणमूल मतलब एकदम घरेलू जमीनी लेवल पे जो स्तर की इकाई है वो पंचायती राज ही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनता को प्रत्यक्ष जवाब देने वाली संस्था है, भारत में जनता को प्रत्यक्ष जवाब देने वाली संस्था कौन सी है? आप देखिए विधानमंडल है तो MLA साहब जो हैं, MLC हैं, वो जनता को प्रत्यक्ष जवाब कहाँ दे पाती है, वो रहते ही परेशान रहेंगे अपने विधानसभा विधान परिषद में, संसद लोकसभा राज्यसभा में परेशान रहेगा। लेकिन जो हमारा ग्राम पंचायत का प्रधान है वो रहेगा कहाँ? वो तो रहेगा उस गाँव में ही। तो भारत को जनता को प्रत्यक्ष जवाब जो दे सकता है वह ग्राम पंचायत दे सकता है, उसके सवाल को ले सकता है, उसके सवाल पर काम कर सकता है, उसके सवाल का जवाब भी दे सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम पंचायत के प्रत्येक अस्थायी समिति में कम से कम और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या हो सकती है, 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7 या 2 से 5। जो भी ग्राम पंचायत, प्रत्येक हमारी ग्राम पंचायत में जो अस्थायी समिति बनाई जाती है उसमें अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष को छोड़कर 3 और कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का आखिरी प्रश्न है, ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष होता है यानी कि जो प्रधान होता है, अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत समितियों का अध्यक्ष हो सकता है? जो ग्राम पंचायत का प्रधान है हमारा, वो अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत समितियों, जो समितियां बनाई गई हैं, उनमें से कितने का अध्यक्ष हो सकता है वह? तो ऑप्शन है हमारा, ग्राम प्रधान अधिकतम 3 समितियों का अध्यक्ष हो सकता है। 6 समितियां होती हैं तो उसमें से 3 का वो अध्यक्ष हो सकता है, 3 का अध्यक्ष कोई और बनेगा, ग्राम पंचायत सदस्यों में से कोई और बनेगा। तो आपने आज ये 20 क्वेश्चन देखा, उम्मीद है आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना जो VPO की तैयारी कर रहे हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।